Hello friends, welcome to Varsan Nursing Spot. Myself Mukesh Kalma. Today discuss on most important topic Indian system of medicine. ठीक है, आज स्टडी करेंगे कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, कि इंडियन के अंदर मेडिसिन सिस्टम का कैसे कैसे इसका आविष्कार हुआ. ठीक है, तो इसके अंदर एक ही टर्म्स आता है जिसका नाम है आयुष. क्या नाम है? आयुष. ठीक है, जिसका नाम है आयुष. ठीक है, आयुष से आप समझते हो ए मीन्स क्या हो गया? आयुर्वेदा. ठीक है, आयुर्वेदा. बाय मीन्स योगा. ठीक है, एंड यू मीन्स क्या हो गया? यूनानी. एस मीन्स सीधा. ठीक है, और एच मीन्स होम्योपैथिक. ठीक है, एच मीन्स क्या हो गया? होम्योपैथिक. ठीक है, तो ये है आयुष की फुल फॉर्म. ठीक है, ये क्या है? आयुष की फुल फॉर्म है. तो कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन मींस कि इंडिया के अंदर मेडिसिन का जो सिस्टम का जो आविष्कार हुआ कैसे कैसे हुआ, किस पद्धति के अंदर हुआ. ठीक है, तो आप देखोगे तो फर्स्ट एक ही टर्म्स आता है जिसका नाम है आयुष. ठीक है, जिसका क्या नाम है? आयुष. ठीक है, आयुष के आप देखोगे आयुष में कि आयुष में क्या होता है. आयुष के अंदर फर्स्ट आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सीधा और होम्योपैथिक. इज दैट क्लियर? ठीक है, आयुर्वेदिक आया. आयुर्वेदिक सबसे पहले मेडिसिन सिस्टम जिसमें जिन्होंने दिया, ठीक है, वो कौन सा था? आयुर्वेदा था. उसके बाद योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक. ठीक है, इनके बारे में अलग अलग पढ़े कि आयुर्वेदिक के अंदर ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कैसे डायग्नोसिस किया जाता है. यूनानी के अंदर, सिद्धा के अंदर, होम्योपैथिक के अंदर, योगा के अंदर नेचुरोपैथी एड किया. ठीक है, वो सब पढ़ेंगे. तो मेनली है जो अपने ध्यान रखना है कि ट्यूशन आता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कि इंडियन सिस्टम के अंदर मेडिसिन का कैसे कैसे दी जाती है. इंडियन सिस्टम के अंदर मेडिसिन जो देने का है वो कैसे कैसे पद्धति आई और उसका कैसे कैसे इसका ऐसे इनोवेशन हुआ. ठीक है, तो फर्स्ट क्या रखना आपको, क्या ध्यान रखना है? आयुष. आयुष मीन्स क्या होता है? आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी. ठीक है, तो आइए देखते हैं. फर्स्ट सबसे पहले स्टडी करते हैं किसकी? आयुर्वेदा की. आयुर्वेदा क्या होती है, कहां से वर्ड ड्राइव हुआ है, ठीक है, कहां से इस वर्ड की उत्पत्ति हुई है, कहां से वर्ड ड्राइव हुआ है, उसके बाद में इसका क्या प्रिंसिपल से क्या इन्वेस्टिगेशन है और कैसे ट्रीटमेंट करता है आयुर्वेदा. ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले आयुर्वेदा को. ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले किसकी स्टडी करते हैं? आयुर्वेदा की. ठीक है, देखते हैं कि आयुर्वेदा आयुर्वेदिक है जो इसका कैसे ट्रीटमेंट सिस्टम था, कहां से वर्ड डिराइव हुआ. तो सबसे पहले देखेंगे जो ये आयुर्वेदा है क्या एक प्रकार का संस्कृत वर्ड है. ठीक है, क्या है? आयुर्वेदिक एक प्रकार का क्या है? संस्कृत वर्ड है. ठीक है, जो डिराइव हुआ है कहां से? संस्कृत से. आयुर्वेदिक का मीन्स क्या, जो वर्ड है ये कहां से आया है? आयुर्वेदिक का वर्ड संस्कृत. ठीक है, कहां से आया है? आयुर्वेदिक का मीन्स कि वर्ड संस्कृत से आया है. और इसमें आयुर् का मीन्स क्या होता है? लाइफ. और वेदा का मीन्स क्या होता है? साइंस ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ. ठीक है, क्या मीन्स होता है कि साइंस ऑफ लाइफ और वे ऑफ लाइफ. ठीक है, आयुर् का मीन्स क्या होगा? लाइफ. आयुर् का मीन्स क्या होगा? आयुर् को आप आयुर् और वेदा, आयुर् और वेदा, आयुर् को आप अलग तोड़ोगे और वेदा को अलग करोगे तो दोनों का क्या मीन्स निकलेगा? आयुर् का मीन्स निकलेगा लाइफ. ठीक है, आयुर् का मीन्स क्या होता है? लाइफ, जीवन. और वेदा का मीन्स होता है साइंस ऑफ लाइफ या वे ऑफ लाइफ. ठीक है, कि साइंस का जीवन या फिर वे ऑफ लाइफ. ठीक है, साइंस ऑफ लाइफ और वे ऑफ लाइफ किसका मीन्स होता है? वेदा का. और आयुर् का मीन्स होता है लाइफ. ठीक है, और ये वर्ड है आयुर्वेदिक. ठीक है, आयुर्वेदा क्या है? एक प्रकार का संस्कृत वर्ड है. कहां से आया है? डिराइव किया गया है. इट इज द फ्रॉम डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड. इज दैट क्लियर? ठीक है, इसके बाद में देखोगे कि प्रिंसिपल्स, कि ये जो जो आयुर्वेदा है इसके प्रिंसिपल्स क्या, किस सिद्धांत पे काम करता है. ठीक है, तो इसके क्या है? बेसिक फाइव एलिमेंट्स है. बेसिक फाइव एलिमेंट्स. ठीक है, कौन कौन से? ये बेसिक फाइव एलिमेंट्स पे काम करता है, प्रिंसिपल्स काम करता है आयुर्वेदिक. क्या करता है? बेसिक फाइव एलिमेंट्स पे काम करता है आयुर्वेदिक. ठीक है, कौन कौन से फाइव बेसिक फाइव एलिमेंट्स है? जैसे आप देखोगे हवा. हवा मीन्स क्या होगा? हवा. ठीक है, हवा, पृथ्वी, पृथ्वी. ठीक है, आकाश. तो मीन्स क्या? हवा मीन्स क्या होगी? एयर होगी. पृथ्वी मीन्स क्या होगी? अर्थ होगी. ठीक है, और आकाश मीन्स क्या? इसका ही हो गया. ठीक है, और फाइव एलिमेंट्स किस पे काम किया? फायर. ठीक है, मीन्स अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी. ठीक है, कौन कौन से? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी. ये जो पांच आपके तत्व होते हैं, पांच एलिमेंट्स होते हैं, उस पर काम करता है. ठीक है, कि आपके अग्नि, अग्नि मीन्स क्या होगी? फायर. ठीक है,
जल वायु, जल मीन्स क्या हो गया वाटर, जल वायु, वायु मीन्स क्या एयर, ठीक है, अब वायु मीन्स क्या एयर, और पृथ्वी, पृथ्वी मीन्स क्या होगी अर्थ, ठीक है। तो ये किस पे काम करता है, पांच बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उस पे काम करता है, ठीक है, किस पे, जैसे कि हवा, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, ठीक है, किस पे, हवा, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, ठीक है, किस पे काम करता है, पांच पे। हवा का मीन्स क्या हो गया, हवा का मीन्स एयर, ठीक है, हवा, वायु, पृथ्वी, पृथ्वी मीन्स अर्थ, जल मीन्स वाटर, और अग्नि मीन्स फायर, ठीक है। तो मैं ये बेसिक किस पे काम करता है, बेसिक फाइव एलिमेंट्स पे काम करता है, इसका सिद्धांत है, बेसिक फाइव एलिमेंट्स पे काम करता है कौन, अपना आयुर्वेदिक, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे कि आयुर्वेदिक के अंदर डायग्नोसिस कैसे होता है, ठीक है, आयुर्वेदिक के अंदर डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, आयुर्वेदिक के अंदर आयुर्वेद के कोई भी पर्सन है, ठीक है, बीमार पर्सन किसी आयुर्वेदिक जो औषधि देता है, आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप, आपके एक बेसिक डिग्री होती है जिसकी क्या, जिसका नाम है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक इन होम्योसाइंस, ठीक है, BAMS मेडिकल साइंस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिकल साइंस, ठीक है, इसकी BSMS डिग्री होती है, ठीक है, वो भी 4 साल का कोर्स होता है, बेसिक कोर्स होता है BSMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिकल साइंस, ठीक है। ऐसे कैसा एक होम्योपैथिक होता है, ठीक है, कौन होता है, होम्योपैथिक कोर्स होता है, बेसिक बैचलर होम्योपैथिक, होम्योपैथिक मेडिकल साइंस, BAMS, ठीक है, मेडिकल साइंस, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा अलग से कि कौन कौन से आप आफ्टर 12 बारी के बाद में कौन कौन से रास्ते क्या क्या करियर के रास्ते होते, किसी करियर के रास्ते में आप जा सकते हो, अलग से वीडियो लेंगे सेपरेट उसका देखिएगा, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि आयुर्वेदिक का एक अलग से डिग्री होती है ना, उसमें आप स्टडी करोगे, उसके यदि आप किसी को कोर्स करना हो तो उसमें जाके जैसे आयुर्वेदिक का अंदर अपना इसको बढ़ा सकता है। आयुर्वेदिक उसमें क्या करते हैं, आयुर्वेदिक आप टेबलेट्स दोगे, ठीक है, पेशेंट को मतलब जो आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट होता है वो आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराओगे, ठीक है, जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, ठीक है, यूनानी ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक, सबका अलग अलग ट्रीटमेंट पैटर्न होता है, सबका अलग अलग डायग्नोसिस होता है, सबका अलग अलग ट्रीटमेंट करने का पैटर्न होता है, ठीक है, वेरी गुड। तो देखिएगा कि डायग्नोसिस कैसे करता है, डायग्नोसिस कैसे करता है, डायग्नोसिस इसके अंदर कैसे होता है कि इसके अंदर डायग्नोसिस होता है कि ये डायग्नोसिस करता है, क्या करता है, फर्स्ट तो एग्जामिनेशन करता है, ठीक है, आयुर्वेदिक के अंदर डायग्नोसिस कैसे करता है, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन मीन्स की बॉडी का कलर देखेंगे, ठीक है, टंग का कलर देखेंगे, आंख का कलर देखेंगे, इसके अलावा देखेंगे, ठीक है, पिपिल का कलर कैसा है, टंग का कलर कैसा है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कर सकते हैं कि पल्स देखेंगे, पल्स वगैरह कितने क्या है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, इसके बाद में वो क्या देखेंगे, यूरिन का कलर देखेंगे, फीकल का कलर देखेंगे, ठीक है, यूरिन का कलर चेक करेंगे, इसके थ्रू क्या करते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चनिंग करते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं, कैसे, टंग का देखते हैं, आई, विजुअल, सेंसेशन, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है कि ट्रीटमेंट, आयुर्वेद ट्रीटमेंट कैसे करता है, आयुर्वेद दो प्रकार का ट्रीटमेंट करता है, एक करता है प्रिवेंटिव और एक करता है क्यूरेटिव, ठीक है, कौन सा ट्रीटमेंट करता है, दो प्रकार का ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। आयुर्वेद के अंदर मेनली आप देखोगे ट्रीटमेंट कैसे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप देखोगे कि आयुर्वेदिक के अंदर ट्रीटमेंट कैसा होता है, आयुर्वेदिक के अंदर ट्रीटमेंट दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट और दूसरा होता है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते हैं, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के अंदर, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते हैं कि उसको क्या कहते हैं, पेशेंट को, जो भी बीमार पर्सन, उसको क्या करते हैं, उसको बताते हैं कि डेली बात करो, ठीक है, क्या करो, डेली बात करो, रूटीन रूटीन एग्जामिनेशन करो, ठीक है, हेल्थी डाइट खाओ, हेल्थी हाइजीन मेंटेन करो, क्या करो, हाइजीन मेंटेन करो, हेल्थी डाइट खाओ, ठीक है, और प्रिवेंटिव मींस की प्रिवेंशन, डिजीज से क्या करवाएंगे, डिजीज से प्रिवेंशन करने के लिए, डिजीज से मतलब बचाव के लिए, बचाव के उपचार बताएंगे कि आप डेली नाओ, ठीक है, आप डेली स्नान करो, आप अच्छे से हाइजीन में रहो, आप ठीक है अच्छे से हेल्थी डाइट खाओ, वो सब। और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के अंदर क्या बताएंगे, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के अंदर बताएंगे पेशेंट को कि उसमें क्या देंगे, औषधि देंगे, क्या देंगे, औषधि, क्या प्रोवाइड करेंगे, औषधि प्रोवाइड करेंगे, वो औषधि प्रोवाइड क्या करवाएंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, औषधि, औषधि क्या होती है, एक प्रकार की ड्रग्स होती है, ठीक है, औषधि क्या होती है, एक प्रकार की ड्रग्स होती है जो किसमें प्रोवाइड की जाती है, आयुर्वेदा के अंदर, आयुर्वेदा के अंदर क्या देते हैं, मेनली क्या प्रोवाइड कराते हैं, औषधि प्रोवाइड कराते हैं, औषधि क्या होती है, एक प्रकार की क्या है, ड्रग्स है जो आयुर्वेदा के अंदर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये था अपना आज का इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट था अपना आयुर्वेदा के बारे में स्टडी किया, ठीक है, पूरा है आयुष, अभी बाकी है आयुर्वेदा पढ़ना है, योगा पढ़ना है, यूनानी पढ़ना है, सीधा पढ़ना है, होम्योपैथिक पढ़ना बाकी है, तो क्लास को रेगुलर देखना है वन बाय वन, ठीक है।
इस क्लास के अंदर ओनली फॉर किसके बारे में स्टडी किया, आयुर्वेदा के बारे में, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन आयुर्वेदा, कि आयुर्वेदा का जो आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है वो कैसे कैसे किया जाता है, मैंने शॉर्ट के अंदर बहुत अच्छे से आपको, कोई यदि कमेंट, कोई यदि आपको डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, इस पर्सन को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।